उसके लिए अभी मैं जितने भी हमारा जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है, अपना राज्य का भी है, बाहर का भी है, कोई छोटा सा टीम बना के मैं बिहाइंड दिस स्क्रीन हर एक सेक्टर में काम करने दे रहा हूँ कि क्या क्या रिफॉर्म्स स्टेट का इंटरेस्ट में होना चाहिए बताइए। तो वो लोग काम चल रहा है, जैसे इलेक्शन खत्म रिफॉर्मेशन शुरू। यहाँ में देखिए अभी पावर का जो बात, हर एक चीज यहाँ ईटानगर में मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठा है, पूरे सेक्रेटरी डायरेक्टर्स चीफ इंजीनियर सब यहाँ बैठा है, सब कुछ यहाँ से तय करने लगेगा तो विकास कैसे होगा वहाँ। अभी देखिए पांचाव से इतना दूर से लोग आए हुए हैं, तवांग से है अनिमी करादादी कुरुंगकुर में, वो तालिया तपुरजू साइड हो गया, अंजो अनिमी अंजो साइड हो गया, इतना दूर दराज जगह है और वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट कैसे होगा सारा चीज अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे पावर को टप करके रखेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग ने शुरुआत कर चुका है, आने वाला दिनों में तो और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा। अभी पुराना सिस्टम से जो एमएलएस लोग अपना अपना स्कीम जो देते हैं वो भी आने वाला दिनों में नहीं होगा भाई, वो भी वापस जाएगा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वहां पे मीटिंग होगा। ऑब्वियसली एमएलए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसका पूरा इज्जत दिया जाएगा, उस मीटिंग में एमएलए भी बैठेंगे, पूरा चर्चा होके प्रायोरिटी सेक्टर्स में पैसा जाएगा। एपीसमेंट पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही शुरू होता है, लीडर बड़ा लीडर होगा, एमएलए को बेचारा झुका देता है, सिस्टम खराब कर देता है, उसका स्कीम को एमएलए को करके देना है, नहीं तो फिर वोट नहीं देगा उसको। तो इस तरह से करके लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स, एपीसमेंट पॉलिटिक्स, तो धीरे धीरे हम सबको इसको खत्म करने का जरूरी है और ये तभी खत्म होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के छत्रछाया में ही ये सब कुछ रिफॉर्म्स हम लोग लेके आ पाएंगे। तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और खास करके हमारे जो युवा प्रेसिडेंट तरंग तेरी जी है वो काफी इनिशिएटिव अपना युवाओं को लेके लेता यहाँ पे करता है और जो कल्चरल ट्रूप्स आप सभी डिस्ट्रिक्ट में लेके यहाँ पे जो दिखाया है बहुत ही अच्छा कल्चरल ट्रूप था और जो टग ऑफ वार था बहुत ही इंटरेस्टिंग टग ऑफ वार था। ऐसे टग ऑफ वार में तो बारिश के अंदर में कभी नहीं देखा, शायद आप लोग भी ऐसे बारिश में कभी टग ऑफ वार किया भी नहीं होगा। और ये जैसे कबीर गांव की जो बोला है बारिश तीनों दिन काफी बारिश हुआ है, ये शायद हमको लगता है कि ऊपर वाला भी अपना युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लोगों का एक तो टेस्ट किया है कि आप लोग कितना क्षमता है, बारिश गिरने से प्रोग्राम कैंसिल होता कि नहीं होता, बारिश गिरने से कल्चरल प्रोग्राम कैंसिल होता कि नहीं होता, बारिश गिरने से स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैंसिल होता कि नहीं होता। तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया है चाहे आंधी आओ या तूफान या बारिश या बर्फ, युवा मोर्चा पीछे नहीं हटेंगे, ये प्रूव कर दिया है। कपिल गांव जी हम दोनों अपना पार्टी के सीनियर मेंबर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब काफी खुश है। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा युवा मोर्चा का जो एक्टिविटीज है और भी हो, और मैं अपनी ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जनवरी में मैं युवा जो सम्मेलन है युवा मोर्चा का और एक बार फिर मैं ऑर्गेनाइज करूंगा और वो ऑर्गेनाइज पर्सनली मैं खुद अपना पूरे अच्छा से गाइडेंस देंगे किस प्रकार का होना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज होगा, क्या क्या लेक्चर सेशन वहां पे क्या क्या होगा, पूरे उसका डिजाइन मैं खुद करूंगा तबीरगांव जी के साथ में बात करके, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना जरूरी है, बहुत सारा चीज होना जरूरी है। इस बार 3 दिन का तो आप लोगों का चलो मिलना जुलना हुआ है, जान पहचान भरा किया है, पार्टी के बारे में पता चला है, युवा मोर्चा के बारे में पता चला है। तो जनवरी में एक बार फिर हम आयोजन करेंगे और अच्छा से आयोजन करेंगे, जनवरी में तो बारिश भी नहीं होगा, अच्छा से वो आयोजन करेंगे, उसमें हम लोग बाकी बात जो है हम लोग वहां रखेंगे और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से जितने भी 21 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं बल्कि तरंग तेरी जी ने बताया, तो उनके लिए मैं कुछ कल्चर ट्रूप या डेलीगेट्स के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, वो तरंग तेरी जी आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोगों ने इतना अच्छा ओकेजन में हमें याद किया, यहाँ के स्टेट के युवा मोर्चा के जितने भी जो टीम मेंबर्स हैं आप सबको मेरा उससे बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हमारे दिल्ली से हमारे अरुणाचल के इंचार्ज युवा इंचार्ज पर्तिंदू जी को भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका माध्यम से मैं हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के मैडम पूनम महाजन जी को भी मैं आपके जरिए से मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय अरुणाचल। और हमें ऐसे ही निर्णायक और ऐसे ही ऊर्जावान नेता पूरा
कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हम ये आशा रखते हैं। और सर आपको तहे दिल से हम सारा युवा मोर्चा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और सबका दुआ आपके लिए हमेशा रहेगा, प्रार्थना रहेगा, सदा आपका सरकार बना रहे आपकी नेतृत्व में और आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बना रहे, ये हम सबका प्रार्थना होगा और दुआ होगा। धन्यवाद। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष से दोबारा अनुरोध है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप दोनों के सुख हाथों से हो। तो विजेता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट, कल भी पीछे रह गया था, अधूरा हो गया था, आज पूरा किया और इसका वजह से उन्हें और ये एक आप लोगों के लिए भी आई ओपनर है, आगे आने वाला दिनों में इन लोगों की तरह आप लोग भी भरपूर पार्टिसिपेट करें।